हुआ। पंजाब नेशनल बैंक में लूट का मामला, पुलिस ने लूट का प्रयास करने वाले आरोपी सहित आरोपी को हथियार बेचने वाले को किया गिरफ्तार। पंजाब नेशनल बैंक में लूट का प्रयास मामले में पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी जिस प्लास्टिक बैग में पिस्तौल लेकर आया था उस पर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के लिखे एड्रेस के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची है और अभिनव कॉलोनी निवासी आरोपी देवेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार किया। आरोपी अभिनव कॉलोनी का रहने वाला है, मूल रूप से खंडवा निवासी है। आरोपी को पिस्टल राकेश सोनी निवासी नंद कॉलोनी ने प्रोवाइड कराई थी और उसने रामकोटरा क्षेत्र के विक्की बाथम से 30,000 रुपए में पिस्टल खरीदी थी। फिलहाल पुलिस ने दो आरोपी देवेंद्र चौहान और राकेश सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विक्की बाथम की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ज्यादा पैसे प्राप्त करने के चक्कर में आरोपी द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। एक सात 2020 को पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर मनेंद्र सिंह ने मुझे टेलीफोन करके बताया था कि उनके बैंक में एक अज्ञात आदमी जो मास्क पहने हुआ है, अपने आप को छिपाए रखा है, काला टी शर्ट पहना हुआ है और हाथ में पिस्टल लिया हुआ है, सबको धमका के बाथरूम में बंद कर दिया और कैश मांगा था। कैश न मिलने के कारण वो बाहर चला गया। इसलिए पूरा पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी दहशत में है, कृपया जल्दी आ जाइए। इस सूचना में मैं स्वयं TI शहर को साथ में लेके घटनास्थल गया और घटनास्थल के साथ पूरे शहर